फिर मैक्स वॉट अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है या फिर अल्टरनेट ओवर एक्सचेंज करते रहेंगे हम, अगर वो कोई भी चीज़ बराबर है तो फिर एलर्ट क्या आना चाहिए? ये अगर केस है तो अलर्ट आना चाहिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कर दिया तो ये हमारा प्रोग्राम है, रिफ्रेश करा। देखो तीन केस थे, पहला केस की साइड अगर जीरो से जीरो या जीरो से छोटी है तो पहले मैं वन 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 लेता हूँ, टेस्ट करा नहीं चलाया, क्या गड़बड़। ये स्पेलिंग गलत है, तो फिर साइड अगर तीनों वन 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 है तो ज़ीरो से बड़ी हैं और दो का सम तीसरे से छोटा मतलब बड़ा आ रहा है ना, तो इससे ट्रायंगल। ठीक है, पहला केस हमने ट्रू कर दिया। अब मान लो कोई साइड ज़ीरो होती तो इट्स नॉट अ ट्रायंगल। ठीक है, ये मैंने ट्रू कर दिया, तो हमने ये वाला भी इट्स नॉट ट्रायंगल कर दिया और इसे ट्रायंगल वाला भी ट्रू कर दिया। ये वाला देखते हैं, जब दो साइड का सम, हाँ ये भी कर दिया हमने। अब आते हैं पावर पे। ठीक है, जैसे अगर एक नॉट ट्रायंगल तो दो साइड का सम तीसरे से नहीं आ रहा है ना, बड़ा नहीं आ रहा, तो ऐसा भी केस है जो ट्रायंगल नहीं है। अब ये तीनों राइट एंगल बनाते हैं तो आ गया इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे फंक्शन चला है और इस पेज को बेसिकली बनाने का मकसद ये है मेरा कि हमें CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना HTML में आ जाएगा। ठीक है, CSS का भी हमें यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं होवर करने पे, देखो कलर चेंज हो रहा है और ये हेडिंग टैग हैं, सेंटर में भी हम लेकर आए हैं इस टेक्स्ट को पूरा, है ना। तो ट्रायंगल चेकर हमने बनाया है और टेस्ट करते हैं, फिर आउटपुट अलर्ट में आता है इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारा लॉजिक क्या था एक बार मैं समझा देता हूँ। हमने सिंपली टाइटल दिया ट्रायंगल वर्सेस नॉन ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा ट्रायंगल वर्सेस नॉन ट्रायंगल। ठीक है, ये टाइटल दिया हमने और उसके बाद स्टाइलिंग की हमने, स्टाइलिंग बाद में की है, पहले हमने बॉडी बना दी, तो H1 S3 और फॉर्म के अंदर हमने ये सब दिए साइड को। ठीक है, इनपुट टेक्स्ट लिए हमने और ID दे दी। इन ID का यूज़ करके हम जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, टेस्ट पर क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक करेंगे तो फिर टेस्ट ट्रायंगल फंक्शन कॉल हो जाएगा जो कि हम जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं। तो फिर स्क्रिप्ट है यहाँ पे, टेस्ट ट्रायंगल टेक थ्री इनपुट, तीन इनपुट लेता है। ठीक है, साइड ए साइड बी साइड सी, तो फंक्शन ट्रायंगल ये प्रेज पार्ट सेंड कर दिया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जिसकी साइड ए है, देखो आईडी साइड ए है, वहाँ से वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, फेच हो जाएगी ए पे, बी पे और सी पे, तीनों की वैल्यू जो जो एंटर करेगा ना
एक आदमी टेक्स्ट देगा, उसकी वैल्यू आएगी इसमें। अच्छा, वैल्यू आने का मतलब क्या है इसमें, कि अगर आपने स्काई कोड दिया, ठीक है, स्काई कोड दिया, जैसे मान लो ए दे दिया मैंने यहाँ पे, तब भी ये बता पा रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे कि ये एरर एरर है, क्योंकि ये इसके स्काई कोड ले रहा है और ये ट्रायंगल है, माना जाएगा ये ट्रायंगल, ठीक है। तो इन्होंने ए बी सी ले लिया, फिर हमने क्या करा कि दो का सम तीसरे से छोटा या बराबर आना, बराबर आया, अगर छोटा आया या बराबर आया तो वो ट्रायंगल नहीं माना जाता, तो हमने वो कंडीशन ले ली। फिर एल्स के अंदर हमने तीन कंडीशन ले ली, ठीक है, इट्स नॉट अ ट्रायंगल। तो एल्स के अंदर क्या कंडीशन ली, अगर कोई भी साइड 0 से 0 है, 0 से छोटी है, तो वो भी ट्रायंगल नहीं माना जाएगा। और फिर हमें यहाँ पे पाइथागोरस चेक करना है, अगर मैथ डॉट पावर ए कॉमा टू, इसका मतलब क्या, मैथ डॉट पावर यानी मैथ में से पावर का फंक्शन लो, ए कॉमा टू यानी ए का स्क्वायर कर दो, ए कॉमा थ्री यानी ए का क्यूब कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर सी स्क्वायर के बराबर है, या वाइस वर्स, मतलब इन और केसेस को भी लेते हैं, तीनों केसेस को कंसिडर करते हैं, अगर ऐसा है तो फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो वही अलर्ट आ जाता है। नहीं तो आखिरी हमारा फाइनल बचता है कि ये अगर ऐसी रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल हो पा रही है, तो वो एक ट्रायंगल है, एक मान्य ट्रायंगल है। तो ये था कोड, और इसको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, तो होप आपको समझ में आया होगा। ये भी देख लो एक बार कि स्टाइल के अंदर हमने बॉडी को बैकग्राउंड वगैरह दिया, होवर यहाँ पे करा, ठीक है, इनपुट में होवर लगाया, ये बाकी सब तो मैंने डिस्कस कर ही रखा है। तो ये था एक तरीका कि HTML में जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना, ठीक है, ऑन क्लिक क्लिक होते ही ये फंक्शन चल जाना, तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। होप आपको समझ में आया होगा। चलो फिर।